पापा हमार बीमार हैं 20 साल से। गांव घर के लोग ताना मारत हैं। चार भाई दो बहन हैं। शादी ना हो पावत है। पढ़ लिख नहीं पाए हैं फिर से। का बोलो पापा जी? कुछ लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुष्ठ रोग मुक्त देश की परिभाषा के अनुसार भारत अपने आप को दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में कुष्ठ रोग मुक्त होने का दावा कर चुका है, जबकि दादरा नगर हवेली और छत्तीसगढ़ दोनों ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। साहेब हम मुंबई रहे, गाली की तरह निकला है वो कमर में, बोले दर्द रहा तो एक बोझा वही मिला, वही से दिखवावा दारू सारू दिया उसके, तो बड़ा पैसा खाई ले गए हैं ओझा लोग। दवाई बहुत दवाई बिसाए गान गुरिया जौन रहा वो बेच खोज के लड़कियाँ ननिया और बाए रहे वहाँ बेच खोज के लिखी साहेब बुराई छोड़ भलाई नहीं। तो शादी भी ब्याह नहीं होता और बना लड़के कहीं को साहेब गरीब जान के और ये दागी जो है क्या बात है कहते कि केवन ये इसके लगे हाँ लड़की अपन देगा उसकी भी हो जाएगा। काकस में आस पड़ोस वाले वही कह रहे थे तुम्हारे पापा के ये सब बाहर छुआ छूत हुआ था ये हमारे पचके लगे मत उठा बैठा कर मत अब कर शादी भी ना हो पाए। अनुभव साहेब ऐसा है कि हम जो काम करने के लिए जात रहे किसी को ले गए तो लोग काम भी नहीं इसके देत रहे में हमके काम नहीं देत रहे। कमाई खाई पावत है एक बिस्सा खेत की यारी नहीं बसा है कि भाई भला बोई ले जोत ले कि वही से कमाई खाई का करी कौन आधार से जी कौन आधार से खाई। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद करें और आंकड़ों में कुष्ठ रोग मुक्त बनने के बजाय सचमुच का कुष्ठ रोग मुक्त देश बने। मैं अनिल कुमार, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहद के लिए।